हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम WMIC का एरर जो है फिक्स करना सीखेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, WMIC BIOS गेट। मैं नेम लेना चाहता हूँ BIOS से, और जैसे मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो जाता है कि ये कमांड जो है WMIC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल डायरेक्शनल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ये एरर जो है मेरे को शो होता है। इस एरर को मैं कैसे फिक्स करूंगा, ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूं क्लोज, और अब इस एरर को हम फिक्स करते हैं। आपको सबसे पहले दिस PC पे राइट क्लिक करना है और इसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ नाम की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एडवांस टैब में आपको एनवायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल्स हमें देखने को मिलेंगे, पहला है यूज़र वेरिएबल और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे यूज़र वेरिएबल में एंट्री करते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल की वैल्यू एंटर करते हैं, तो ये जो है खाली आपका जो जिस अकाउंट से आप करंटली लॉग इन है, सिर्फ वही यूज़र जो है इस कमांड को एक्सेस कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का हर यूज़र जो है इस कमांड का एक्सेस कर पाए, तो आपको सिस्टम वेरिएबल में इसकी एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करना है। आपको माय कंप्यूटर में आना है। माय कंप्यूटर में आने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आपको यहाँ पे विंडोज़ नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सिस्टम वाओ के नाम से जो है फोल्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिस्टम वाओ 64, ये फोल्डर आपको मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। इस फोल्डर में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है WMIC.exe, ठीक है, इस फाइल को आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ फाइल्स जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फाइल्स आ गई है WMIC.exe। इस फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और इसके आपको ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है, ठीक है, आपको ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब हम इसकी डायरेक्टरी में आ चुके हैं जिस जगह ये फाइल इंस्टॉल्ड है। अब आपको क्या करना है, इसके पाथ को यहाँ से करना है कॉपी, को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर करने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले तो वेरिएबल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम पाथ कर देता हूँ, और वेरिएबल वैल्यू में जो भी हमने पाथ को कॉपी किया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। आपको ओके कर देना है, और इसको भी ओके कर देना है, और यहाँ पे भी ओके कर देना है। तो अब हमारा जो है पाथ जो है सेट हो चुका है। तो चलिए अब कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं CMD को रन एस एडमिन करके जो है इसको रन करता हूँ, इसको यहाँ पे यस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंसोल जो है ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ WMIC BIOS get name। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है इसका आउटपुट जो है आ गया है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपको एक कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर भी एरर शो होता है, तो एक बार अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है ये एरर जो है फिक्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।